सदगुरु किशोर जी नवा जी, प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए दंदन का जी। आज का टॉपिक है सदगुरु कृपा से हर काम आसान हो जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जो भक्त होते हैं, जो सदगुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, हर हाल में हर कंडीशन में गुरु पर विश्वास होता है, तो सदगुरु फिर कृपा करते हैं ऐसे भक्त जनों पे, अपने भक्तों के सारे काम आसान कर देते हैं। पूर्ण सदगुरु निज भक्तों की हर मुश्किल आसान करे, पूर्ण सदगुरु निज भक्तों पर मेहर करे, एहसान करे, पूर्ण सदगुरु निज भक्तों की झोली रहमत से भरता है, पूर्ण सदगुरु निज भक्तों पर आई आफत हरता है, लाभ जीत हर ओर मिले जो, पूरे गुरु की पुस्त पना, कहे अवतार दिलाए शोभा, सतगुरु की बस एक निगाह। कि सदगुरु की नजर जब पड़ जाती है तो फिर तकदीर के दरवाजे खुल जाते हैं। जो दरवाजे तकदीर के बंद होते हैं तो फिर किस्मत के वो ताले खुल जाते हैं। सदगुरु कृपा से हर काम आसान हो जाता है, बस हमने हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहना है। हिम्मते मर्दा मते खुदा, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ्स। जो अपनी सहायता खुद करते हैं फिर ये परमात्मा सदगुरु उनकी सहायता करते हैं। तो हमें चलना पड़ेगा, अगर हमारे नेक इरादे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं अगर वो रास्ता अच्छा है, तो उस रास्ते पर चाहे कितनी भी रुकावटें आए, परेशानियां आए, तो सदगुरु कदम कदम पर फिर हमारे साथ होते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता, बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। कि सदगुरु कृपा से फिर रास्ते की सारी रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये विश्वास का फल है। ये विश्वास कितना है हमारा सदगुरु पर, पूर्ण रूप से निरंकार पर जब एतबार आ जाता है, कहे हरदेव, यही बड़ाई के चमत्कार कहलाता है। पूर्ण रूप से हमारा विश्वास हो जाए, अय मन रख, तो विश्वास प्रभु पर नित आनंद उठाएगा, पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नया डगमगाएगी, है अगर विश्वास का चप्पू नया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना चाहे कुछ भी हो जाए। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी संपूर्ण हरदेव वाणी में हमें समझाते हैं कि हमने हर हाल में अटूट विश्वास रखना है। कि करण करावन आपे आप, मानुष से कछु नाही हाथ, ये करने वाला सदगुरु है। तो इसका आधार जो लेते हैं, इसको अंग संग महसूस करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, ये सदगुरु निरंकार हमारे साथ है, तो फिर ये सदगुरु अपने भक्तों के सारे कार्य कर देता है। बस हमारी सोच अच्छी हो और जो काम हम कर रहे हैं अगर उसमें हमारी भलाई है तो सदगुरु उसे जरूर पूरा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो काम में देरी हो रही है, वो काम नहीं हो रहा है, तो हम गिले शिकवे भी करते हैं, लेकिन सदगुरु को पता है कि जो काम हम कर रहे हैं अगर ये नहीं हो रहा है और इसमें देरी हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भला अभी नहीं है या इस काम में हमारी भलाई नहीं है। तो भक्त विश्वास रखते हैं सदगुरु पे कि काम नहीं हो रहा है, तो सदगुरु अंतर्यामी हैं, उनको पता है कि इस काम में मेरी भलाई नहीं है, तो सदगुरु पे विश्वास रखते हैं, शुक्राना करते हैं कि दतार इसमें भी कुछ राज होगा, अगर ये काम नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई राज जरूर इसके अंदर है जो तुझे पता है, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मुझे नहीं पता है। तो ऐसा अटूट विश्वास भक्तों का हमेशा हुआ करता है। लेकिन अगर जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है
तो वो काम हो जाता है, सदगुरु वो काम कर देते हैं, क्योंकि सदगुरु हमारा माता पिता है और माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं। तो हमने अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दिया है, और जो सदगुरु के हवाले हो जाते हैं तो सदगुरु फिर हर पल कदम कदम पे भक्तों की रखवाली करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हम भी अपने सदगुरु पर पूरा विश्वास बना के रखें कि जीवन में जो हो रहा है सदगुरु कृपा से हो रहा है। अगर कोई काम हो रहा है तो भी उसमें शुक्राना करना है, अगर नहीं हो रहा है तो भी शुक्राना करना है, हर हाल में शुक्राना करना है, क्योंकि सदगुरु है, सारे संसार का मालिक है, ये निरंकार रूप में हर पल हमारे साथ रहता है, और उसकी कृपा से, सदगुरु कृपा से हर काम आसान हो जाता है। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।